नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों आपको काली लिनक्स का लाइट वर्जन जो है वो आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काली लिनक्स का लाइट वर्जन इंस्टॉल ना करने का जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि आपका जो काली लिनक्स का लाइट वर्जन होगा वो मात्र करीब करीब 1 GB का है। ठीक है, और उसका ओरिजिनल जो है वो 4 GB का, 4 GB के आसपास या 5 GB के आसपास है। ठीक है, तो काली लिनक्स लाइट में ये 3 GB 4 GB का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो बता दें 3 GB 4 GB का जो ये डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि उसमें का जितना सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट सभी का सभी सॉफ्टवेयर जो है हटा लिया गया। काली लिनक्स में कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो काम का हो, बहुत कम सॉफ्टवेयर है। पेंटेस्टिंग टूल है, 4-5 पेंटेस्टिंग टूल तो ऊपर में दिखता है, 5-6 वही सब है जो है, बाकी ना ही उसमें वीडियो प्लेयर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पैकेज इंस्टॉल कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब सब पूरा खाली है काली लिनक्स का जो लाइट वर्जन है, पूरा का पूरा सिंपल है। अगर आपको ऐसा काली लिनक्स का ऐसा वर्जन चाहिए जिसमें कुछ भी इंस्टॉल ना हो, कुछ भी इंस्टॉल ना हो और आप मैनुअली सब चीज़ बारी बारी से इंस्टॉल करें अपने ज़रूरत के हिसाब से, तब मैं कहेंगे कि मतलब आप काली लिनक्स जो है लाइट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे में सारा टूल हो, सब कुछ हो, तो काली लिनक्स का लाइट वर्जन इंस्टॉल ना करें, कुछ भी हो जाए ना इंस्टॉल करें। आप जो है तो काली लिनक्स का नॉर्मल वर्जन इंस्टॉल करें। काली लिनक्स का लाइट वर्जन नॉर्मल वर्जन में यही अंतर है कि सारा सॉफ्टवेयर हटा दिया गया। तो आप काली लिनक्स को इंस्टॉल ही क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पेन टेस्टिंग टूल चाहिए, सारा का सारा पेन टेस्टिंग टूल चाहिए। जब सारा का सारा पेन टेस्टिंग टूल है ही नहीं तो आप इंस्टॉल करके क्या कीजिएगा काली लिनक्स लाइट को। तो इसलिए एक क्विक वीडियो था कि मतलब आप काली लिनक्स लाइट ना इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें कोई भी पेन टेस्टिंग टूल्स वगैरह कुछ नहीं है, उसमें सब कुछ हटा लिया गया। ठीक है, लेकिन काली लिनक्स के नॉर्मल में नॉर्मल जो है उसका ओरिजिनल जो है, वैसे तो दोनों ही ओरिजिनल कहेंगे, और नॉर्मल जो है पहले से जो है उसमें सारा टूल से सभी चीज़ें आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन काली इंस्टॉल किस केस में इंस्टॉल करें, तो काली लिनक्स का लाइट किस केस में इंस्टॉल करें, तो काली लिनक्स का लाइट वर्जन जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप मैनुअली सब चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तब, या फिर आपका मशीन जो है एकदम 1 GB रैम 2 GB रैम वाला है, एकदम कम रैम है उसमें, कहने का मतलब बहुत कम रैम है। आप जैसे रेजवरी पाई हो गया या फिर आर्डुइनो हो गया, तो इस सब डिवाइस में अगर आप काली लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लाइट वर्जन पे जाएं, बिल्कुल जाएं, उसमें आप मैनुअली अपना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको टूल्स चाहिए आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उससे आपके जो आर्डुइनो है या फिर भूल रहे हैं तो उसमें जो है बेसिकली उसका प्रोसेसर कम होता है, 1.3 GHz कोड दिया हुआ है उसमें। अरे कौन सा कंप्यूटर है यार, दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर, रेसबेरी पाई। तो रेसबेरी पाई में 1.3 GHz क्वाड कोर है, 1 GB की 2 GB रैम है। बहुत दिन से मैं भी हो सकता है अपग्रेड कर दिया होगा, लेकिन कहने का मतलब ऐसे डिवाइस में अगर आपको इंस्टॉल करना है तो ऑफकोर्स आप जाएं काली लिनक्स के लाइट वर्जन में, ना तो ना ही जाएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।